हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर ऑप्टिक्स, और काफ़ी हाई वेटेड टॉपिक्स है। आपको हर बार इसमें से दो या तीन क्वेश्चन आपको एटलीस्ट मिल ही जाएंगे एनडीए में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स तो व्हाट इज ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या चीज़ है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसकी अंडर में हम लोग स्टडी करते हैं लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज को, राइट? तो हमारे पास में ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दी, विच डील्स विद दी स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, लाइट और उसकी प्रॉपर्टीज की जो स्टडी होती है फिजिक्स जिस ब्रांच के अंडर में होगी, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, राइट? अच्छा जी, अब ऑप्टिक्स को स्टडी करने के दो तरीके हमारे पास में है, टू मोड्स। पहला तरीका क्या है? जिसमें कि लाइट को हम मान लेते हैं स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। क्या मानते हैं हम लोग? लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मानते हैं कि भैया लाइट क्या है? पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम है। और आपको पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। किसमें मूव करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं उसको? हम रे। तो उसको दो पढ़ने के दो तरीके हैं। पहले आपके पास में क्या है? रे ऑप्टिक्स, ठीक है जी, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा क्या हमारे पास में? वेव ऑप्टिक्स, राइट? तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या मानते हैं? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल नहीं मानते, हम लाइट को मानते हैं एनर्जी या वेव। क्या मानते हैं? वेव। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को एनर्जी की तरह ट्रीट करते हैं, वेव की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे क्या आपका? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है जी। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स लाइट इज ट्रीटेड एज, लाइट इज ट्रीटेड एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रे, स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रे, ठीक है जी। तो रे ऑप्टिक्स में आपको पार्टिकल की तरह इसको लाइट को ट्रीट करना है, और अगर आप लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं तो आपको पता है लाइट का जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिफ्लेक्शन, उनका उनके थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझाना ईजी होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाना ईजी होता है, बिकॉज आपको पता है कोई भी आपको पार्टिकल होता है जब किसी सॉलिड सर्फेस को स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस बैक, दैट बाउंसिंग बैक इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इज दैट क्लियर? तो हम बात करते हैं हम लोग पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब हम रे ऑप्टिक्स या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको रे आपका रिफ्लेक्शन को, देन हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक है जी। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करते हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज होती है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी लाइट का रे का आना, एक पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करना, और जिस मीडियम से लाइट रे आ रही थी उसी मीडियम वापस चले जाना। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, समझ गए? तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे, ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ए, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए, स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। तो किसी पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद लाइट का उसी मीडियम वापस चले जाना जिस मीडियम से लाइट रे आपकी आ रही है, तो दैट इज नोन एज क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी। तो दैट पॉलिश सरफेस इज नोन एज, पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज, सरफेस इज नोन एज क्या? मिरर। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मिरर बोलते हैं। तो ये पॉलिश सरफेस हमारे पास में है, लाइट रे आपकी आई जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में आफ्टर वो चली गई आपकी, रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है जी। इस पॉलिश सरफेस या इस मिरर के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? हम नॉर्मल। तो ये हमारे पास में क्या है? एक नॉर्मल है, ठीक है जी। ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रे। और ये हमारे पास में क्या? दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे, राइट? तो रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझा आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मिरर, कितने प्रकार के मिरर हमारे पास में हैं, ठीक है जी। हमारे पास में है दो प्रकार के मिरर हैं। पहला क्या है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और फिर हमारे पास में क्या है? कर्व्ड मिरर। क्या है? कर्व्ड मिरर, ठीक है जी।
आपके कर्व मिरर बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर जो कर्व मिरर हमें फोकस करने हैं वो केवल दो टाइप के हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास दो तरह के मिरर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ तक। चलिए जी, तो हम पहले वन बाय वन पहले लेते हैं प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं प्लेन मिरर के थ्रू, फिर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व मिरर। ठीक है जी, इससे पहले कि हम लोग मिरर में जाएं, आपको पता होना चाहिए इमेजेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इमेजेस को। इमेजेस क्या होती हैं? ठीक है जी, अगर आप कभी आईने आगे खड़े होते हैं तो आपको अपना उसमें प्रतिबिंब दिखता होगा, है ना? तो आपको पता है कि आप अपने आप को आईने में देख पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आईने के पीछे, उस मिरर के पीछे कुछ आपके जैसा कोई आकृति है, बट आपको पता नहीं है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है मिरर का, एक सॉरी इमेज का, आपकी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं इमेज की, तो इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। कब बनती है? क्रिएटेड ड्यू टू एक्चुअल और वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है जी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जब दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, या तो एक्चुअली इंटरसेक्ट करें या वर्चुअली इंटरसेक्ट करती है करें, तो आपकी इमेज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है, समझ गया ना? फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे आपकी ऐसे जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है ये इसी पाथ को ट्रेस करके वापस आ जाएगी, और दूसरी लाइट रे आपकी ऐसे जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे आ जाएगी। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली तो मिलेंगी नहीं, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगी नहीं, तो आप इनको वर्चुअल इमिट कराते हैं पीछे की तरफ। क्या कराते हैं? वर्चुअल इमिट कराते हैं। तो ये जहाँ पे वर्चुअल इमिट करेंगे आपकी, वहाँ पे इमेज बनेगी। क्या बनेगी? इमेज बनेगी, समझे ना? तो मतलब इमेज क्या बनती है? जब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, या तो एक्चुअली इंटरसेक्ट करें आफ्टर रिफ्लेक्शन, या आप इनको वर्चुअली इंटरसेक्ट करा दें किसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी एक्चुअली या वर्चुअली, उस पॉइंट पर आपकी इमेज बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आ तक। तो मैंने इसलिए क्या बोला कि आपका एक्चुअल या वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रेज का। प्लेन मिरर के केस में ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम टाइप्स ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की आपकी हैं, एक रियल इमेज है, रियल इमेज, और दूसरी है कैसी? वर्चुअल इमेज। कैसी? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक, तो रियल इमेजेस क्या होती है भाई? ये वो इमेजेस होती हैं फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। मतलब जो आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज हैं, या रिफ्रैक्ट होने के बाद जो रेज हैं, या तो एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करनी चाहिए या वर्चुअल इंटरसेक्ट करनी चाहिए, तब आपकी क्या बनती है? रियल इमेज बनती है। एक्चुअली इंटरसेक्ट करनी है, कैसे इंटरसेक्ट करनी चाहिए? वो एक्चुअल। ठीक है जी, तो अच्छा जी, जैसे कि जो कनकेव मिरर होता है, देखिएगा ये जो कनकेव मिरर है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, इस ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज रियल इमेज बनाएगा। जो लाइट रे आपकी ऐसे जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगी, और जो लाइट रे ऐसे जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे ऐसे हो जाएगी, मान लेते हैं। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रेज किस पॉइंट पे मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट पे आपको इमेज मिल जाएगी। ऑब्जेक्ट ए भी है, इमेज क्या है? ए डैश बी डैश आपकी है। ठीक है जी, तो आपकी ये रियल इमेज है। कैसी इमेज है? रियल इमेज है। ठीक है जी, तो रियल इमेज कब मिलती है? जब आपके दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, समझ गए? अच्छा, अगर मैं आपको स्क्रीन रख दूँ, क्या रख दूँ मैं?
आपको स्क्रीन रख दूं, स्क्रीन कुछ भी आपको स्क्रीन रख देंगे तो आपको ये इमेज उसमें दिखेगी, उस स्क्रीन आपको ये इमेज दिखेगी, मतलब ये जो आपकी इमेजेस होती हैं रियल इमेजेस, जहाँ पर दो आपकी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पर अगर आप स्क्रीन प्लेस कर देंगे तो वहाँ पर आपको वो इमेज दिखेगी, मतलब रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, तो ये स्क्रीन पर ली जा सकती हैं, समझ गया ना। ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा उल्टी बनती हैं, आपने देखा इस केस में ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज कैसी बन रही है उसकी, इन्वर्टेड बन रही है, तो दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या बनेंगी, उल्टी बनेंगी, समझ गए ना। कौन कौन से मिरर हैं जो ये रियल इमेजेस फॉर्म करते हैं, रियल इमेज फॉर्म करने वाला केवल एक ही मिरर है, कौन सा, कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज क्या भाई, फॉर्म्ड ये कब बनती है, अगर आपकी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं आपकी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बट वर्चुअली, एक्चुअली तो इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही हैं, जैसे कि आपने प्लेन मिरर केस में देखा था अभी, ठीक है जी। तो कब बनती है आपकी ये, फॉर्म्ड ड्यू टू वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है जी, रिफ्लेक्टेड रेज के वर्चुअल इंटरसेक्शन से बनती हैं, समझ गए। ये स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती, समझ रहे हो, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, ठीक है जी। और क्या है, हमेशा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट कैसे बनेगी, सीधी बनती है, कैसी बनती है, जैसे कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, क्या होती है, वर्चुअल। तो अगर आपकी आपका सर ऊपर है तो आपको अपने सर पर दिखते हैं ना, सीधा दिखती है इमेज या उल्टी दिखती है, पाँव पर दिखते हैं आपको, नहीं ना, सीधी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, हमेशा इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा इरेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन फॉर्म करता है भाई, कौन से मिरर फॉर्म करते हैं वर्चुअल इमेज को, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, एंड कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर, समझ गए ना। ये हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, समझ गए। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, इमेजेस क्या होती हैं, ठीक। चलिए जी, तो हमने देख लिया भैया मिरर क्या होता है, इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर्स। तो पहला जो मिरर हमारे पास में आ रहा है वो कौन सा मिरर है भाई, प्लेन मिरर। हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो लाइट, अच्छा इससे पहले कि हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ लें, पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लें हम लोग, कि रिफ्लेक्शन होगा कैसे, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो जितने भी आपके रिफ्लेक्शन होते हैं दे फॉलो सम बेसिक लॉ। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, ठीक है जी। आपको बताया जो इंसिडेंट रे होती है और ये जो नॉर्मल होती है ना, ये नॉर्मल है, ऐसा तो है नहीं कि भैया जो इंसिडेंट रे आपकी ऐसी है तो नॉर्मल बाहर को आ जाएगी, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे बाहर को आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में होगी जिस प्लेन में आपकी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्टेड रे जो ये है ये भी उसी प्लेन में होनी चाहिए जिस प्लेन में आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल है, समझ गए। तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड दी नॉर्मल All lie in same plane. एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ये,
ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आ तक। सेकंड लॉ हमारे पास में क्या है भाई, सेकंड लॉ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है नॉर्मल से एंगल आई और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है नॉर्मल से एंगल आर, दोनों इक्वल होने चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट लॉ है आपके पास में, रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये दो जो लॉज हैं इनको फॉलो करते हुए ही सारे आपके रिफ्लेक्शन अकर होंगे, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। प्लेन मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो लाइट रे ऐसी गई, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा भाई, क्योंकि एंगल ऑफ ये आपकी जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल दोनों एक ही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, जीरो होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, जीरो होगा। तो लाइट रे इसी पाथ को फॉलो करती है, वापस आ जाएगी इस तरह से, और दूसरी लाइट रे जो जा रही है ये जितने एंगल पर नॉर्मल से जितने एंगल पर उसको हिट करेगी, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से जितने एंगल पर हिट करेगी आई उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी ये एंगल आर, ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली तो मिलेंगी नहीं, तो डाइवर्जिंग नेचर की है, तो आप इनको पीछे की तरफ क्या कर देंगे, वर्चुअली मीट करा देंगे, ठीक है जी। तो वर्चुअली मीट आपने करा दिया, तो इमेज आपकी यहाँ बन रही है, ठीक है जी। तो ये जो इमेज बन रही है ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेजेस, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज आपकी बनी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले प्रॉपर्टी क्या है, वो वर्चुअल इमेज है, कैसी इमेज है, वर्चुअल है, और तो सीधी तो बनेगी बनेगी, वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आ तक, पक्की बात में है। सेकंड क्या चीज़ है, पहली बात तो वर्चुअल इमेज है, अच्छा जी, इस मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है, इस मिरर से जितना दूर पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इसकी इमेज भी बनती है, समझ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर क्या होती है, किसके बराबर होती है, बराबर टू इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर उसकी इमेज बनती है, कोई दिक्कत। तीसरा क्या है हमारे पास में, तीसरा क्या है, क्या और क्या प्रॉपर्टी भाई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इसकी इमेज बनती है। तो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, तो जो इमेज का साइज होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में अपने आपको जब देखते हो तो मोटे पतले दिखते हो क्या, नहीं ना, जो साइज आपका है वही साइज आपकी इमेज का होगा, हाइट भी उतनी दिखती है ना। तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज इज सेम एज दैट ऑफ, सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होती है, ठीक है जी। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सपोज मैं क्या बोलते हैं, आप मुझे देखिए, अगर आप बोलते हैं, आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे कोई मिरर है, आप कोई इमेजिन करें यहाँ पे कोई मिरर है, उस मिरर में अगर आप अपने आप को देखते हो और अपना अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, कौन सा हैंड ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड, तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी इमेज होगी वो कौन सा हाथ ऊपर उठाएगी, वाला हाथ ऊपर उठाएगी, है ना। अगर आपने यहाँ से अपना लेफ्ट हैंड रेज किया है तो आपकी इमेज कौन सा हैंड रेज करेगी, ये वाला हैंड रेज करेगी। आपकी इमेज का कौन सा हैंड है, ये राइट, राइट हैंड है, और आपके इस ऑब्जेक्ट ने कौन सा हैंड रेज किया था, लेफ्ट। तो आपने देखा इमेज में क्या हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, लेफ्ट का क्या हो गया, राइट। तो जो लेफ्ट का राइट होता है ना, इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, क्या बोलते हैं उसको हम, लेटरल इन्वर्जन, समझ गए। तो जो आपकी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, कैसी होती है भाई, लेटरली इन्वर्टेड, समझ गए, लिटरली इन्वर्टेड होती है इमेज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी इमेज बनती है किसके द्वारा, आपकी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स को, किसको लेके, स्फेरिकल या कर्व्ड मिरर्स को, स्फेरिकल
और कर्व्ड मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। तो इसमें आएगा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो पहली टर्म हमारे पास में आएगी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है घुमाव, क्या होता है, घुमाव। सपोज मेरे पास एक मिरर है, ये मिरर है, इस प्रकार का मिरर है, तो आपको नहीं लगता कि ये जो मिरर है, सपोज करिए ये कनकेव मिरर है, क्या कैसा मिरर है, कनकेव। तो ये कनकेव मिरर किसी एक वर्चुअल स्फीयर का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये किसी वर्चुअल स्फीयर का पार्ट है, कोई वर्चुअल बहुत बड़ा गोला है उसका पार्ट है। तो इस वर्चुअल स्फीयर का ये हमारा जो मिरर है, इस वर्चुअल स्फीयर का पार्ट है, ठीक है जी। तो इस वर्चुअल स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे बोलते हैं, स्फीयर का जो सेंटर होगा, वर्चुअल स्फीयर का जो सेंटर, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं आता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब एक, अब ये आपका ये मिरर था, ये किसी वर्चुअल गोले का पार्ट है, इस वर्चुअल गोले का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अच्छा जी। अब ये मिरर है, अब मिरर का जो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर, ये मिरर है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है अपर्चर, क्या है वो, अपर्चर। अपर्चर क्या चीज़ है, मिरर के, मिरर का वो पोर्शन जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, जहाँ पे लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस पोर्शन का बोलते हैं हम लोग अपर्चर, क्या बोलते हैं, या यूँ कहूँ जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ से आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो अपर्चर होता है, द पोर्शन ऑफ द मिरर थ्रू विच रिफ्लेक्शन अकर्स, समझ रहे हो, या लाइट जहाँ पे पड़ रही है वो क्या है, अपर्चर है। इस बात को पहले सुन लीजिएगा, ठीक है जी। तो मिरर का वो पोर्शन जहाँ पर लाइट पड़ रही है और जहाँ से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है, अपर्चर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी हमारे पास में अपर्चर, और अगली इंपॉर्टेंट थिंग है, चीज़ है पोल, क्या है, पोल, पी। अब पोल क्या होता है, आपके पास मिरर है, मिरर का वो पोर्शन जहाँ पे लाइट पड़ रही है वो अपर्चर है, अपर्चर का जो सेंटर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, पोल, अपर्चर। उस मिरर में जो अपर्चर है, अपर्चर का जो सेंटर है वो क्या है, पोल। तो यहाँ पर कहीं होगा पोल आपका, है ना, ये पोल आपका, इज दैट क्लियर, पोल। तो पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द अपर्चर, द सेंटर ऑफ द अपर्चर, ठीक। फोर्थ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है, एक वो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, क्या आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है जो सी और पी दोनों से पास हो रही है और दोनों ही दिशाओं में एक्सटेंड हो रही है, ठीक है जी। तो ये आपकी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो सी और पी दोनों से पास हो रही है, ठीक है जी, और दोनों दिशाओं में क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सी एंड पी एंड एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस एक रेफरेंस लाइन का काम करती है, काम करती है, रेफरेंस लाइन का काम करती है, ठीक है जी। चलिए जी, हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, कर्वेचर, कैपिटल आर शो करते हैं इसको हम लोग, पी और सी के बीच जो दूरी है, ये पी और सी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी और सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, समझ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिक्स्थ पॉइंट, फोकस। फोकस क्या चीज़ है, ठीक है जी, फोकस को कैपिटल एफ शो करते हैं। सपोज मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है जी, तो कनकेव मिरर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल है। अब जो लाइट रे पैरेलल है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे, ये लाइट आपस में भी पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल है, ठीक है जी। तो अगर कोई इंसिडेंट बीम ऑफ पैरेलल लाइट आपके पास में है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट में मिलेगी लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट जिस पॉइंट में मिलेगी, उस लाइट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं उसको हम। तो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट में मिलती है वो क्या है, फोकस है आपका, वो क्या है, फोकस, समझ गए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में क्या है, फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है जी। फोकल लेंथ को हम शो करते हैं स्मॉल एफ से, किसे शो करते हैं हम लोग, स्मॉल एफ से। तो पी और एफ के बीच ये दूरी है ना, ये इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पी और एफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, समझ गए। तो फोकस आपका यहाँ पे कहीं पे होगा, फोकस, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है, क्या इन दोनों के बीच की दूरी, फोकल लेंथ है। और जनरली जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, हाफ होती है। और इस पर भी आपका एनडीए में क्वेश्चन बन चुका है, समझ रहे हो, इन दोनों के रिलेशन के बीच में कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, समझ गए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है जी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके एक वर्चुअल स्फीयर जिसका कि वो मिरर, हमारा जो मिरर है वो एक पार्ट है,
उस वर्चुअल स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अपर्चर क्या होता है, आपका मिरर में वो पोर्शन जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिस पोर्शन पे लाइट पड़ती है उस हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपर्चर। और उस अपर्चर का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये एक रेफरेंस लाइन का काम करती है, समझ गए ना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच की दूरी क्या है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है जी। फोकस क्या है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है जी। तो फोकल लेंथ क्या चीज़ है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है जी। और फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इन चीज़ों को, इतने टॉपिक्स को, इतने इन टर्म्स को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे उनमें मैं इन टर्म्स को फ्रिक्वेंटली यूज़ करूँगा। तो आप कृपया इनको रिवाइज करके बैठें जब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बैठते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।